जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने जेबी कोचिंग यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हालांकि मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन बता ही दिया हूँ कि मैं थोड़ा बिजी था भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष में। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे SSC MTS हवलदार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और रिवीजन क्लास रहेगा। दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरा क्लास अब रिवीजन क्लास रहेगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब है दोस्तों। यह SSC आल एग्जाम के लिए है, बट दोस्तों SSC MTS के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो लोग नए व्यूअर होंगे दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देख कर जाएंगे। देखने के बाद दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आ जाए, समझ में आए, तब जाके और लाइक करिए, वरना डिसलाइक मार दीजिएगा। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ के एग्जाम में जाएंगे तो समझेंगे हाँ क्वेश्चन है, सर ने बताया है। और ये बार बार रिपीट होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। यदि अंडर रूट 3.24 बटे एक्स बराबर 0.18 तो एक्स का मान होगा। यह दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, और आएगा भी ऐसा ही क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे उतार लेते हैं, ठीक है। 3.24 बटे एक्स बराबर 0.18। अब क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग कर देंगे, ठीक है, दोनों का वर्ग करेंगे, ठीक है। जब वर्ग करेंगे दोस्तों तो अंडर रूट में तो कर्ली हट जाएगी, तो 3.24 बटे एक्स बराबर और 0.18 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 324, ठीक है, 0.324 हो जाएगा, ठीक है, इतना आप समझ लिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक्स, ठीक है, एक्स एक्स गुने 0.324, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बराबर आपके में हो जाएगा दोस्तों, यानी बराबर हो जाएगा 3.24, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए, ये दशमलव है, ध्यान दीजिए, ये दशमलव कितने अंक के बाद है, एक दो तीन अंक के बाद है दोस्तों ना। तो नीचे क्या करेंगे, इसके 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, एक्स बराबर तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है, दशमलव हट जाएगा, तो 3 जीरो क्या करेंगे इसके नीचे, यानी बटे में लिखा जाता है, तो 32.4 तो यानी यहाँ गुणे हो जाएगा, दशमलव कर देंगे यहाँ 1000, ठीक है, 1000। अब इसके बाद x बराबर 324 और इसके बटे में 324, ठीक है, इसके बटे में 324 हमने लिखा। और ये जो 1000 सोच रहे दोस्तों कि 1000 कहाँ से आया, यह दशमलव हटाने के बाद, यहाँ एक अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है, तो हम चाहे भी दशमलव को हटाने के बाद हम बड़ा वाला देखेंगे कि बड़े वाले का वैल्यू, यानी 3 अंक के बाद दशमलव है, यानी 3 जीरो हम इसमें लगा देंगे, बढ़ा देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, 324 से 324 कट जाएगा, तो एक्स बराबर जो आ जाएगा दोस्तों 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेंट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी यानी 1000, एक्स का मान जो आया 1000। देखिए दोस्तों, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ ना कि जितने भी क्वेश्चन है बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू भी देखिए, देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसे लगाएंगे एकदम शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो मैं आपसे चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पहले पढ़ के समझ लेते हैं। किसी संख्या को सात से विभाजित करने पर चार से शेषफल प्राप्त होता है, यानी किसी संख्या को चार से भाग देने पे जो चार शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को सात से विभाजित करने पर क्या शेष प्राप्त होगा, यानी शेष जो क्या होगा, यानी शेषफल क्या फिर प्राप्त होगा दोस्तों, यही हमें इसका आंसर लाना है, ठीक है।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, शेषफल, ध्यान दीजिए, शेष, शेषफल, शेषफल बटे होता है भागफल, भाग, भागफल, शेषफल बटे भागफल। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क क्या रहा है, विभाजित करने पर चार शेषफल प्राप्त होता है, तो उसी संख्या, वो संख्या कौन है, चार का, चार का क्या कर रहा है, उसी संख्या के वर्ग का, यानी चार का जब हम स्क्वायर करेंगे, और उस बोल क्या रहा है को सात से विभाजित करना, यानी चार का स्क्वायर करके इसी संख्या में चार से भाग लगा देना है, तो वही पूछ रहा है कि शेष प्राप्त होगा, यानी जो शेषफल क्या आएगा, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा बटे सात, सात से भाग लगा लेंगे, सात दुना के 14, सात दुना के 14, यानी शेषफल इसका 2, और राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के तरफ, और देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, और आप जब एग्जाम में इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चन को बना लेंगे, और आपको समय मिल जाएगा अगले क्वेश्चन को करने में, यानी चाहे जीके हो या जीएस हो। तो दोस्तों लगातार आप क्वेश्चन को अपनी तैयारी को जारी रखिए और सवाल को पढ़ते रहिए। तो आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, या क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, देखिए 2 स्टार, देखिए 2 स्टार 3 बराबर अंडर रूट 13 तथा 3 स्टार बराबर, 3 स्टार, 3 स्टार 4 बराबर 5 हो तो 5 स्टार 12 का मान बताना है दोस्तों, यानी इसका मान बताना है, लेकिन हमें यह ध्यान देना कि यहाँ 13 कैसे आ गया, यहाँ 5 कैसे आया। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एकदम आसान तरीका बताऊंगा, देखिए यानी 2 स्टार, ठीक है, स्टार हम यहाँ प्लस कर लिख लेंगे और यहाँ 3 लिख लेंगे, यही दिया है ना, अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट इस पे लगा देंगे, तो क्या इतना आ जाता है, तो हम करेंगे यहाँ पे देखिए इसका 4 हो जाएगा और प्लस 3 के 9, यानी 9 और 4 13, यानी यही तरीका लगाने का है सही। अब चाहे तो इसे कर लीजिए, 3 लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, सॉरी स्टार के यहाँ प्लस हम लिखेंगे, इसका स्क्वायर लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट इस पे लगा देंगे, टोपी पहनाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो यानी इस पे क्या करेंगे दोस्तों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 4 का हो जाएगा आपका 16, अब जोड़ देंगे तो हो जाएगा यानी 25, 25 का वर्गमूल 5, इसका नहीं निकल रहा था, इसका आ गया ना। अब सेम प्रोसेस यही है फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस यही है, और यहाँ इसका भी हम उसी तरीके से कर लेंगे, रूट लगा लेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होना ही होना है। ठीक है, अब आपस में जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 5 4 9 4 2 6 169, और 169 का वर्गमूल यानी 13, यानी ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, आप चाहे तो इतना समझने के बाद डायरेक्ट आंसर ला देते, इतना बताने के बाद ये समझ में आ गया हो तो आप तुरंत इसका आंसर ला दिए होंगे, हमें उम्मीद है। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, बहुत ही मेहनत लगता है पढ़ाने में, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जो भी नए फ्रेंड्स होंगे वे दोस्तों आज से ही जेबी कोचिंग अनिल का चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और अपने एग्जाम का अच्छे से तैयारी करिए। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो आते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको, आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यह रिवीजन क्लास है दोस्तों, जिसमें आपको मैं SSC MTS और हवलदार के जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे उसका मैं पूरा आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। तो आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, 2 संख्याओं का मसब 11 तथा लसा 693 है, यदि उनमें एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या है, यानी दूसरी संख्या पता करना है। मैं आपको इसका क्लास LCM और HCF का लिया हूँ दोस्तों,
बेसिक से चाहे तो आप उसे सर्च मार के मारकर पढ़ सकते हैं। तो आते हैं इस, हमें पहले एक ट्रिक आपको पता होगी, जो ट्रिक मैंने आपको कई बार बताया है, ठीक है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक है। इस ट्रिक से आप यूज करके सेकेंडों में क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहली संख्या यानी एक संख्या का मतलब पहली संख्या कितना दिया है, 77 हमने लिख दिया। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, हमने x मान लिया। बराबर एलसीएम इसमें कितना दिया है, एलसीएम लसा 693 है गुने एचसीएफ 11 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें गुना हो जाएगा तो 77 x बराबर 693 गुने 11, x बराबर 693 गुने 11, ठीक है। चाहे तो हम इसे तुरंत लगा सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। अब बटे में आ जाएगा 77, 11 कम 11 11 77, 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 693 को काटना है, ध्यान दीजिए पहले 69 को काटेंगे, 7 कम 7 7 9 63 हो जाएगा फ्रेंड्स, लेकिन इसमें से बच गया 6, फिर हो जाएगा 7 9 63 यानी x बराबर 99 यानी x बराबर 99 इसका आंसर आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 99, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज पढ़ाया है और आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।